Hello Phoenixies, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to show you how to make two amazing crafts. So let's start with the first one. So yahan pe maine ek plastic bottle li hai guys. As you can see it's clear and thodi si different hai in design. Isko main dono side se cut kar lungi and ye kuch is tarah se two piece different ho jayenge. Ab mujhe ek part hi use karna hai to dusre part ko main next craft ke liye save kar lungi. एंड यहाँ पे मैं इसको अपने स्पंज स्टिक से पेंट करना शुरू करूँगी गाइस. सो एज यू कैन सी जब ये ड्राई हो जाएगा मैंने यहाँ पे अपना ब्लैक मार्कर लिया है एंड उससे मैं थोड़ी लाइंस बना दूंगी. एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्लू लिया है एंड ट्रांसल्यूसेंट शीट का एक टाइनी सा पीस उस पर अटैच करके कट कर लूँगी. नाउ अंदर का पार्ट बनाने के लिए गाइस यहाँ पे मैंने एक ट्री का कटआउट लिया है एंड कुछ मैं उस पर मार्कर से यहाँ डिज़ाइन बनाने वाली हूँ. ये डिज़ाइन को कट करने के बाद मैंने यहाँ पे पिंक कलर का क्रेप पेपर भी लिया है गाइस. इस क्रेप पेपर को मैं बीच में से कट करने के बाद जब मैं ओपन करूँगी इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस एंड देन इसको फोल्ड करूँगी मैं वन बाय वन एंड इसी तरह के बहुत सारे पीसेज रेडी कर लूँगी. इसको नीचे ग्लू से सिक्योर करने के बाद ये थोड़े से फ्लावर्स बन जाएंगे एंड आज मैं इस तरह से ट्री बनाने वाली हूँ. देन यहाँ पे मैं थोड़ा पेंट कर लूँगी गाइस. पेंट करने से ऑफ कोर्स इसमें क्राफ्ट में थोड़ी डेप्थ आ जाती है एंड ये करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अच्छे से स्टिक कर लूँगी अपनी हॉट ग्लू गन से. वंस दैट इज़ डन मैं बेस को ग्रीन कलर करने वाली हूँ एंड साइड में मैं यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ करके ट्रांसल्यूसेंट शीट से अटैच करने वाली हूँ. सो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है गाइस एज यू कैन सी. देन इसके अपर पार्ट को भी मैं ट्रांसल्यूसेंट शीट से कवर कर दूंगी. सो गाइस ये कुछ इस तरह से दिख रहा है. अब मैं इसके बेस के लिए यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल की एक रिंग कट करने वाली हूँ एंड उसको एक साथ स्टिक करने के बाद ये मेरा बेस बन जाएगा गाइस. नाउ एज यू कैन सी इसको भी मैं पेंट कर लूंगी जस्ट हाउ आई पेंटेड माय मेन शो पीस एंड उस पर मैंने ब्लैक मार्कर से लाइंस बनाई थी तो सेम मैं इस पर भी करने वाली हूँ. देन ट्रांसल्यूसेंट शीट से कट करके ये मेरा बेस रेडी हो गया है. अब मैं इन दोनों को एक साथ स्टिक कर लूँगी. ऑफकोर्स गाइस ये ना स्ट्रॉन्ग ग्लू से आप करना वरना इट कैन कम आउट वेरी ईजिली एंड स्ट्रॉन्ग ग्लू इज़ अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल. वंस दैट इज़ डन मैंने यहाँ पे पेपर लिया है ग्रीन कलर में एंड थोड़ी सी ग्रासेस बना ली हैं जो कि मैं यहाँ पर स्टिक करने वाली हूँ. नाउ एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे मैंने अपना वाइट पेपर लिया है एंड माय फ्लावर कटर मशीन. आप इसको मैन्युअली अपने हैंड से भी कट कर सकती हैं एंड देन मैंने यहाँ पे स्पंज का हेल्प लेके इसको 3D लुक दिया है एंड उसको मैं वन बाय वन यहाँ स्टिक करने वाली हूँ ग्लू से. वंस दैट इज डन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्रेलिक पेंट लिया है वाइट एंड इसके एजेस को थोड़ा पेंट किया है एंड थोड़ी सी डॉट्स दी है एंड टाडा दिस इज हाउ माई फर्स्ट DIY लुक्स. ये बहुत ही इजी था गाइस और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है. सो देर नहीं करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकेंड होम डेकोर पीस. सो नाउ यहाँ पे सेकेंड डेकोर के लिए भी मैंने प्लास्टिक बॉटल ली है बट थोड़ी सी डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप में. देन यहाँ पे मैंने प्लास्टिक फोम लिया है गाइस. ये ना बहुत ही ईजिली शेप दे देता है कोई भी चीज़ को. सो ये बहुत अच्छा रहता है. इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. वंस दैट इज डन यहाँ पे मैं इसको अच्छे से कट करूँगी एंड यहाँ पे धीरे धीरे एक के ऊपर एक स्टिक करने लगूंगी एंड देन आई एम ऑल्सो गोना टेक माई सीजर्स एंड गिव इट सम शेप. वंस दैट इज डन मैंने यहाँ पे ब्लू एक्रेलिक पेंट लिया है एंड इसके हर शेड को मैं यहाँ पे पेंट कर लूँगी सो दैट इट गिव्स मी अ नाइस ब्लू इफेक्ट. वंस दैट इज डन यहाँ पे मैंने कार्ड पेपर लिया है एंड मैं फिश को पेंट कर लूँगी. इफ गाइस यू वांट टू सेव योर टाइम और आपको थोड़ी एफर्ट्स कम लगानी है आप एक प्रिंट आउट ले सकते हैं एंड उसको भी कट करके स्टिक कर सकते हैं. सो नाउ एज यू कैन सी मेरी फिश रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने क्राफ्ट वायर लिया है एंड थोड़ा सा ग्रीन कलर का पेपर भी लिया जिसको मैं एक साथ स्टिक करने के बाद इस तरह से कॉइलिंग क्रिएट कर लूँगी. देन यहाँ पे मैंने ग्रीन पेपर लिया है जिस पर मैं लीव्स का कटआउट कट करूँगी. अगेन आप किसी भी टाइप के कटआउट के लिए प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं बट मैं यहाँ पे मैन्युअली बनाती हूँ. एंड एज यू कैन सी बनाने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी फ्लावर कटिंग मशीन ली है. थोड़ा सा बड़ा साइज है थोड़ा सा डिफरेंट है.
तो यहाँ पे मैंने ये लेकी कट कर लिए है एंड उसको बीच में से कट करने के बाद मैं थोड़ा सा 3D इफेक्ट दूंगी एंड देन मैं पेंट भी कर लूँगी इसको गाइस। वंस दैट इज डन मैं इसको इस कॉइलिंग पे स्टिक करूँगी अलॉन्ग विथ सम लीव्स एज वेल। नाउ वंस दैट इज डन मैंने क्राफ्ट वायर भी लिया है एंड उसमें अपनी फिश का कटआउट स्टिक कर लिया है। देन यहाँ पे मैंने थोड़े से पेबल्स लिए हैं अपने गार्डन में से और इनको भी यहाँ पे स्टिक कर लिया है। नाउ मैंने यहाँ पे अपनी फिश को स्टिक कर लिया है एंड एज यू कैन सी ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड देन यहाँ पे मैंने पेबल को पेंट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट शीट को स्टिक कर लिया है एंड बैक साइड को कवर कर लिया है। नाउ एज यू कैन सी वन साइड इज़ ऑलरेडी कवर्ड जिस पर मैंने यहाँ पे पर्ल बीड्स लगाई हैं ऑन द बैक साइड। देन यहाँ पे मैंने थोड़े वाइट पेंट से थोड़ी डॉट्स भी बनाई हैं एंड थोड़ा सा स्पंज लेके यहाँ पे वाइट पेंट टैप कर लिया है तो ये वाटर इफेक्ट देगा गाइस। वंस दैट इज डन यहाँ पे दूसरे साइड को भी मैं ट्रांसलूसेंट शेड से कवर करने वाली हूँ एंड कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, अ ब्यूटिफुल ग्लास लुक बट नॉट विद ग्लास। देन यहाँ पे इसका भी बेस बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक बॉटल की जगह यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है एंड उस पर मैं यहाँ पे पाइप लगाने वाली हूँ। ये गाइस पाइप ना बहुत ही इजीली हमारे घर पे अवेलेबल होता है, उसको आप कोई भी कलर का पेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंट किया। देन यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है, सिलिकॉन मोल्ड, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। इफ़ यू वांट द लिंक्स आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उसको पेंट करने के बाद मैंने हॉट ग्लू गन से उसका मोल्ड बना लिया था जिसको मैं यहाँ पे बेस पे स्टिक करने वाली हूँ। वंस दैट इज डन मैं इसको ब्लैक पेंट कर दूंगी गाइस। एक्रेलिक पेंट से पेंट किया मैंने। अब इसको मेटालिक लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे सिल्वर ग्लिटर डस्ट को फिंगर से इस तरह से ब्लेंड इन करूँगी सो ये मेटालिक लुक दे देगा एंड देन ऑफकोर्स द फाइनल लुक मैं इन दोनों को एक साथ स्टिक कर दूंगी गाइस। दिस इज हाउ माई सेकेंड क्राफ्ट ऑफ द डे लुक्स लाइक गाइस। ये ना बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था इन रियल लाइफ एंड इट्स वेरी इजी टू। बाय बाय।